ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में 1 से लेकर 15 दिसंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। दिसंबर महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से आपके जीवन में किस प्रकार की स्थितियां निर्मित होंगी, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है और कहां पर आपको जीवन में निराशा प्राप्त होगी, चुनौतियां प्राप्त होगी, ये जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए ही ये राशिफल बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान मकर राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे मकर राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी भी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करेंगे तो स्थितियां आपके लिए काफी शुभ बनेगी। राशिफल को हम प्रारंभ करें, लेकिन उससे पूर्व आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपके राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। इन 15 दिनों में शनि देव आपके राशि के लगन भाव पर गोचर करेंगे, गुरु आपके पराक्रम भाव पर, राहु आपके सुख भाव पर और केतु देव आपके कर्म भाव पर इन 15 दिनों में गोचर करने वाले हैं। मंगल महाराज वक्री होकर आपके राशि से पंचम भाव पर मौजूद होकर गोचर करेंगे। सूर्य आपके राशि से नवम भाव पर 11वें भाव पर गोचर करेंगे। बुध और शुक्र का परिवर्तन हो रहा है। 2 दिसंबर को बुध देव का राशि परिवर्तन होगा। बुध आपके राशि के लाभ भाव से निकलकर व्यय भाव पर चले जाएंगे और 5 तारीख को यानी 5 दिसंबर को शुक्र देव आपके राशि के लाभ भाव से निकलकर व्यय भाव पर जाने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत ही कम हो रहा है और माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन काफी ज्यादा हो रहा है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि आपकी राशि के लिए स्थितियां कैसी रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कैरियर के मामले में। देखिए, जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, तो राशि के दशम भाव से कर्म भाव देखा जाता है और आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, जो 5 तारीख के उपरांत आपके राशि से द्वादश भाव पर चले जाएंगे। शनि की दृष्टियां पूरे 15 दिनों तक आपके कर्म भाव पर बनी रहेगी। देखिए, मकर राशि वाले जातकों के लिए ये जो समय है मिला जुला ही रहने वाला है। कर्म क्षेत्र में आपको मेहनत के अनुसार जीवन में परिणाम प्राप्त होने वाला है। हालांकि इस दौरान सरकारी क्षेत्र में यदि आप जुड़े हुए हैं तो लाभ मिलने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। इन 15 दिनों में आप अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ आपके संबंध काफी बेहतर रह सकते हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो यह महीने की जो शुरुआत हो रही है आपके लिए काफी बेहतर हो रही है, और यदि कोई पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार का विस्तार होगा और काफी लाभ की प्राप्ति होने वाली है। मकर राशि वाले जातकों के अंदर साहस और पराक्रम की स्थितियां बढ़ सकती है, बढ़ी रहने वाली है, परंतु कर्म भाव पर शनिदेव की दशम दृष्टि जा रही है, इसलिए आप अपने जीवन में यदि उत्साहित होकर कार्य करेंगे तभी आपको परिणाम मिलने वाला है। जिन भी मकर राशि वाले जातकों का कार्य पेंडिंग में पड़ा हुआ है, रुका हुआ है, उसके बनने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। यदि आपकी राशि के लिए धन के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए आर्थिक जीवन, चूंकि आपके राशि का जो धन भाव है काफी ज्यादा प्रभावी है और आपके जो राशि का लाभ भाव है वो भी काफी ज्यादा प्रभावी बना हुआ है, तो देखिए धन प्राप्ति के लिए यदि आप प्रयास करते हैं तो आर्थिक समृद्धि आपको काफी ज्यादा देखने के लिए मिलने वाली है।
द्वादश भाव पर शुक्र की उपस्थिति आपके जीवन में एक और आपकी आमदनी में वृद्धि भी कर सकती है, वहीं आपके जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ने वाली है। कर्म क्षेत्र और व्यापार दोनों से आप धन आगमन करने में सफल रह सकते हैं। महीने की शुरुआत से लेकर 15 दिन की समयावधि में आर्थिक जीवन में किसी प्रकार की आपको चुनौती नहीं मिलने वाली है। यदि आपके राशि के लिए पारिवारिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो दूसरे भाव से पारिवारिक जीवन को देखते हैं। इन 15 दिनों में शनि महाराज आपके राशि से लगन भाव पर गोचर करेंगे। पूर्व के समय से यदि किसी प्रकार की पारिवारिक समस्या बनी हुई है, उससे आपको निजात मिलने वाली है। किसी कारणवश पारिवारिक जिम्मेदारियां आपके ऊपर काफी ज्यादा बढ़ सकती है। बृहस्पति के मार्गी हो जाने की वजह से भाई बहनों का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। पिताजी के साथ यदि आपके संबंध काफी खराब बने हुए हैं, उसमें सुधार होने की संभावना बन रही है। इस दौरान आपके घर में मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की संभावना भी बनने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दें, राशि के पंचम भाव पर वक्री होकर मंगल गोचर कर रहे हैं। देखिए, प्रेम संबंधों के मामले में आपको चुनौतियां मिलने वाली है। वक्री मंगल के पंचम भाव पर मौजूद होने की वजह से प्रेम जीवन में तनाव बढ़ सकता है। 5 दिसंबर 2022 के उपरांत यदि आप प्रेम संबंधों में हैं, तो आपको और भी ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। रिश्तों में तनातनी बढ़ने की संभावना बन रही है। एक दूसरे के बीच में आरोप और प्रत्यारोप बढ़ सकता है, क्रोध बढ़ सकता है, इसलिए आपको सावधानी बनाकर चलना चाहिए। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, मकर राशि वाले जातकों, यदि आप वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर है। देखिए, घर का माहौल भी काफी ज्यादा सकारात्मक रहेगा और दाम्पत्य साथी के साथ आपके संबंध भी काफी ज्यादा बेहतर बने हुए रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं, तो यदि आप जीवन साथी के साथ पूर्व के समय से आपके लिए प्रतिकूलताएं और चुनौतियां बनी हुई है, उससे आपको निजात मिलेगी। इस दौरान पार्टनर के साथ आपके संबंध उत्साहपूर्वक रहेंगे। वैवाहिक जीवन आपके लिए काफी ज्यादा खुशनुमा रहने वाला है। बृहस्पति महाराज के सप्तम भाव पर जा रही दृष्टियां वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए प्रेम और समर्पण का भाव बढ़ा सकती है। इस दौरान अगर आपकी राशि के लिए शिक्षा के मामले में जानकारी दें, शिक्षण संस्थान में यदि आप संलग्न हैं तो अपने अंदर धैर्य अनुशासन बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इन 15 दिनों में मंगल वक्री होकर आपके राशि के पंचम भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो यदि आप शिक्षण संस्थान में संलग्न हैं तो अपनी संगति के ऊपर आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अपने आप को नकारात्मकता से जितना ज्यादा आप बचाने की कोशिश करते हैं, उतनी बेहतर स्थितियां आपके जीवन में बनती हुई दिखाई देगी। अब यदि आपके राशि के लिए स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दिया जाए, मकर राशि वाले जातकों, आपके राशि के छठे भाव के स्वामी बुधदेव आपके राशि से द्वादश भाव पर रहेंगे, शनि आपके लगन पर रहेंगे। देखिए, सेहत के मामले में ज्यादा गंभीर समस्या आपको दिखाई नहीं देगी, परंतु इन 15 दिनों में आपको किसी प्रकार का नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। आपके अंदर आलस्य की स्थिति बढ़ सकती है। बुध की स्थिति आपके द्वादश भाव पर बनी है, बुध आपके छठे भाव के स्वामी है। नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, पेट से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर सकती है। यदि आप नियमित एक्सरसाइज करते हैं, योग ध्यान प्राणायाम करते हैं, तो स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। रोजाना तले भुने भोज्य पदार्थों से, वसायुक्त भोज्य पदार्थों से, चाय शक्कर से बचने की आवश्यकता आपके लिए रहने वाली है, अन्यथा वजन बढ़ने की समस्या आपको परेशान कर सकती है।
अब आइए हम आपको बताते हैं कि कुछ धार्मिक उपाय जिसको यदि आप करते हैं तो स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। तो इस दौरान सबसे पहले तो मकर राशि वाले जातकों को अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। शनि आपके राशि के लगन भाव पर मार्गी हो चुके हैं, तो पीपल के वृक्ष के नीचे आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहतर रहेगा। जीवन में हर प्रकार की श्रेष्ठता के लिए शनिवार के दिन आप काली चीजों का दान भी कर सकते हैं। काला तिल, उड़द, जूते चप्पल, काला शर्ट, काला छाता या काला जूता या जरूरतमंद लोगों में दान करते हैं तो स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। धार्मिक दृष्टिकोण से बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव आप जरूर रखें। गाय को हरा चारा डालने का प्रयास आप करते रहें। और यदि आपके राशि के ऊपर भी शनिदेव की स्थितियां खराब बनी हुई है, जन्म कुंडली पर भी शनि की स्थितियां खराब बनी हुई है, तो घर में आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, इससे आपको बेहतर लाभ की प्राप्ति होगी। उम्मीद है यह जानकारी मकर राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मकर राशि वाले जातकों ओम नमः शिवाय।